देखिए जो पढ़ना है वो क्या है, आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प पाया जाता है, यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधे के दो प्रकार हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो आप लोगों को ये आज बताना है मुझे कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को पहचानेंगे कैसे। आपको हमने ग्राउंड में छोड़ दिया और बोल दिया कि जाओ पांच एक बीजपत्री पौधे और पांच द्विबीजपत्री पौधे लेके आओ, तो कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए हमारे पास ये चार मुख्य बिंदु हैं, जड़, पत्ती, फूल और बीज। इनके आधार पर हम पहचानेंगे। हमारे पास कुछ पौधे हैं, फूल है, बीज है, हम आपको बताने के लिए रखे हैं। इनको आपको देखना है और समझना है कि एक बीजपत्री कैसा होता है और द्विबीजपत्री कैसा होता है। तो ये है गेहूं, एक बीजपत्री है। गेहूं के साथ चावल भी एक बीजपत्री होता है, केला भी एक बीजपत्री होता है, तो और बहुत सारे पौधे हैं, इनको आप पहचानोगे। और दूसरा है ये, इसको बरियारी कहते हैं, साइडा कार्डिफोलिया इसका नाम है, ये है द्विबीजपत्री। ये सामने दिख रहा है, अब पहचानेंगे कैसे कि द्विबीजपत्री है और ये एक बीजपत्री। तो सबसे पहले जो पहचान की विशेषता होती है वो है आपका इसका जड़। जड़ को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये मोनोकाट है या डाइकाट। जड़ कैसे, जड़ दो प्रकार के होते हैं आपको पता है, एक मूसला जड़, दूसरा रेशेदार या अपस्थानिक जड़ कहलाते हैं। तो जो डाइकाट होता है द्विबीजपत्री, उसकी जड़ मूसला जड़ होती है। जड़ कैसी होती है, मूसला जड़। ध्यान रखिएगा, कैसे जड़, मूसला जड़ होती है। और मूसला जड़ की विशेषता होती है कि इसमें एक मुख्य जड़ पाई जाती है, लंबी मोटी, और उसके बगल में छोटे छोटे रेशे जैसे, और उससे सेकेंडरी रूट्स निकले रहते हैं, द्वितीय रूट, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या होती है मोनोकाट की, कि रेशेदार जड़ है। रेशेदार जड़ में एक मुख्य जड़ नहीं होगी, इनमें जितने भी जड़ होंगे कैसे होंगे, सब रेशे के रूप में होंगे। इसमें आप देख लो, आपके पास भी गेहूं है, दिए हैं आपको, तो ये देखो इसमें क्या कोई मुख्य जड़ दिख रही है, नहीं। देखो गेहूं में क्या मुख्य जड़ है, नहीं है। और दूसरा जो आपको दिया है उसमें है मुख्य जड़, देखो। तो यदि आपने किसी पौधे को उखाड़ा और उस पौधे की जड़ रेशेदार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, मोनोकॉट है, एक बीजपत्री है। रेशेदार है मतलब एक बीजपत्री है। और यदि उसकी जड़ मूसला है तो वो क्या है, द्विबीजपत्री। मतलब जड़ के आधार पर आप पहचान सकते हो कि वह मोनोकॉट है या डाइकॉट, ठीक। दूसरा लेंगे हम, जड़ के बाद बात करते हैं पत्ती के बारे में, किसके बारे में, तो पत्तियां भी आप लोग देखे होंगे, ये मोनोकाट की पत्ती है, ये क्या है, मोनोकाट की पत्ती है, ठीक है। लिली उस पौधे की ये पत्ती है मोनोकाट। इसके अलावा ये गेहूं भी देख लें, ये गेहूं की पत्तियां भी क्या है, मोनोकाट। मोनोकाट के कुछ और उदाहरण है, मक्का जानते हो, भुट्टा, वो भी मोनोकाट है, गेहूं भी है मोनोकाट, चावल भी मोनोकाट है। केले की पत्ती देखे होंगे तुम लोग, जी सर, केले की पत्ती देखे हो, जी सर, वो भी क्या है, मोनोकाट ही है। तो इनकी पत्तियों की विशेषता अलग अलग होती है, मोनोकाट की पत्तियां अलग जैसे दिखेंगी और डाइकॉट की पत्तियां अलग। विशेषता क्या होती है देख लो, ये जो डाइकॉट की पत्ती है, क्या है ये, डाइकॉट। इस पत्ती की विशेषता होती है कि इसमें जालिका पाई जाती, जालिका वक्त है, जालिका समझते हो, जाल। तो देखो यहां किस तरीके से बना हुआ है, ये पत्तियां हैं, इसमें ऐसे नेट जालिका पाई जाती है। एक पहले सबसे पहले क्या होगा इसमें, देखो इस तरीके की संरचना होती है, ये ऐसे देखे, ये इस तरीके से, ये फिर इनसे ऐसे जाल। तो इस तरीके की संरचना यदि आपको दिख रही है तो क्या है ये, डाइकॉट, द्विबीजपत्री पौधा है ये। इस तरीके की देखो ऐसे संरचना दिख रही है ना, जी सर। तो यदि पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास है तो ये क्या कहलाएगा, डाइकॉट। अब मोनोकॉट में क्या विशेषता होती है, मोनोकॉट को देख लो, इसमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, मतलब सीधे सीधे,
इसमें जैसे जाल मोनो डाइकॉट में था उस तरीके की जाल इसमें नहीं है क्या? नहीं, इसमें बिल्कुल सीधा सीधा प्लेट की जैसे संरचना होगी। और ये देखिए, ये ऐसे मान के चलते हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बीच में एक हो, ये ऐसे, सॉरी ये इस तरीके की संरचना होगी आपकी, ये देखिए ऐसे है। गेहूं का आपके पास है, गेहूं का भी देख लीजिए, गेहूं भी देखिए, गेहूं में देखो कैसा है, समांतर चिरा विन्यास, यानी ये रेटिकुलेट नहीं होगा, जालिका चिरा विन्यास इसका नहीं होगा। तो पत्तियों को देखकर भी हम बता सकते हैं कि यह क्या होगा, एक बीज पत्री या द्विबीजपत्री, इसमें समांतर शिरा विन्यास और दूसरे में जालिका वाद, यानी आपको इधर पीछे जाली दिख गई तो आप क्या मानोगे इसको, ये द्विबीजपत्री। ये पौधा भी देखो, ये पत्ती भी देखो, इसमें भी क्या है आप देखो, दिख रहा है ना, जालिका वत है, तो ये क्या हो गया, द्विबीजपत्री हो गया। ओके, तो दूसरा पत्ती के आधार पर, मतलब पत्ती आपके हाथ में आए तो आप पहचान जाओगे कि यह एक बीज पत्री है या द्विबीजपत्री है। पत्ती देख लिए, पत्ती के बाद अब किसकी बात आती है, फूल की बात आती है। फूल देखकर भी, मतलब ये चार चीजें हैं, चारों चीजों को देखकर आप पहचान सकते हो कि यह क्या है, मोनोकॉट है या। अब आपके पास फूल है, ये गुड़हल, गुड़हल का फूल है, ये कहलाते हैं पेटल्स, क्या कहलाते हैं, इनको काउंट करो कितने हैं गुड़हल में, कितने हैं, पांच है, ठीक है। हाँ और बताओ, इसमें ज्यादा है उसको भी बता रहे हैं, उसमें कितने हैं, काउंट करो, पांच, कितने हैं, पांच। तो ये जो पंखुड़ियां होती हैं जिसको हम पेटल्स कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, पांच। आप जब भी गिनोगे तो ये डाइकॉट प्लांट है, तो डाइकॉट की विशेषता होती है कि इसमें या तो चार होंगे या पांच होंगे, क्या, या तो चार होंगे या पांच होंगे। ये देख लो, ये मेरे पास सदाबहार, कितने हैं सदाबहार में, पांच है, तो पांच आपने देख लिया, मतलब क्या है, ये द्विबीजपत्री है, पांच होंगे। किसी किसी में चार भी होते हैं, और कहीं कहीं ऐसी स्थिति आती है, जैसे ये गुलाब ले लो, अब इसमें कितने हैं, नहीं, इसमें चक्र होते हैं, क्या होते हैं, चक्र होते हैं। अब जब आप सबसे नीचे वाला चक्र देखना शुरू करोगे, मतलब इसमें जो पंखुड़ियां हैं, जो पेटल्स हैं, उनके भी चक्र होते हैं, पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, तो चक्र में भी जो पेटल्स की संख्या है वो चार या पांच के गुणांक में होगी, यानी पहले में भी चार या पांच होगा, दूसरे में भी चार पांच होगा, तीसरे में भी चार और पांच ही होगा। जैसे ये वाला पौधा ले लेते हैं, ये फूल ये, इसमें देखो दो या तीन चक्र हैं, तो सबसे पहले हमको पता कैसे चलेगा, ऐसे नीचे लिए, अब नीचे से देखना शुरू करोगे कि आप कितने हैं इसमें, देखो तो नीचे से, नीचे वाला सबसे पहले देखेंगे जो नीचे से जुड़े हों, एक दो तीन चार और पांच, अब फिर उसके बाद दूसरा चक्र है तो दूसरे चक्र में भी पांच ही होंगे, तीसरे चक्र में भी पांच ही होंगे, मतलब जितने चक्र हैं हर एक चक्र में पांच होंगे। तो इस तरीके का फूल आ जाए तो ये मत सोचना कि इसमें तो बहुत सारे हैं, होंगे चार और पांच ही, तो डाइकॉट की विशेषता है। दूसरा फूल ये देख लो, ये देखो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, कितने हैं, काउंट करो, पांच है, तो पांच है तो क्या हुआ, ये द्विबीजपत्री, यानी पांच पंखुड़ियां हैं, पांच पेटल्स हैं या चार पेटल्स हैं, तो क्या कहलाएंगे, ये द्विबीजपत्री पौधे। और एक बीजपत्री पौधे, ये फूल की विशेषता होती है कि उसमें तीन या तीन के गुणांक में होते हैं, तीन या तीन, जो अभी यहाँ चार और पांच मिल रहा था, तो एक बीजपत्री में कभी भी चार और पांच नहीं मिलेंगे, उसमें कितने मिलेंगे, तीन मिलेंगे या तीन के गुणांक। तो पत्तियों से हमने पहचान लिया, जड़ से पहचान लिया और फूल से पहचान लिया, और अब बात आती है बीज की।
सबसे अच्छा जो सरल तुम लोगों को लगेगा वो क्या लगेगा? बीज। अब आप यहाँ देखो, आपके पास जो रखे हो आप लोग, ये बीज क्या क्या है? ये क्या है? चना। चना है। ये क्या है? मक्का है। ये चने की दाल है। ये क्या है? गेहूं है। और ये क्या है? चावल। अब इन बीजों को देखो और बताओ, ये तो पहले से ही दो दाल है, चना की दाल है, तो इनमें से किस बीज को आप दो बराबर भागों में बांट सकते हो? चने को बांट सकते हो। गुड। मूंगफली को। ये मूंगफली है, देखो ये मूंगफली है, ये इसको हमने ऐसे थोड़ा सा क्रश किया, ये देखिए, ये दो भाग आ गए, दो भाग आ गए जी सर। ये दिख रहे हैं आपके दो भाग, यदि दो भागों में बट गया तो ये क्या है? बीज पत्री। नाम ही है, ये दोनों बीज पत्र है। इनसे जब पौधा निकलता है ना, तो देखते हो कि दो पत्तियां निकलती हैं। कितनी पत्तियां निकलती हैं? दो। तो ये दो बीज पत्री, द्विबीज पत्री है। अच्छा ये बताओ, मक्का को यदि मैं कहूँ कि इसको दो बराबर भागों में बांटो तो क्या बट जाएगा? नहीं सर। नहीं बटेगा? नहीं सर। तो जो दो बराबर भागों में बट जाए वो क्या है? द्विबीज पत्री है। और जो दो बराबर भागों में ना बटे, एक बीज पत्री है। चावल को बताओ, नहीं सर। चावल बटेगा क्या दो भागों में? तो क्या हुआ चावल? एक बीज पत्री हुआ। और गेहूं को देखो, गेहूं देख के बताओ, गेहूं को यदि आप दो बराबर, जैसे दाल को हम दो बराबर भागों में, मूंगफली को दो बराबर भागों में बांट दिए थे, तो क्या गेहूं को हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं, बराबर भागों में नहीं बटेगा। बराबर भागों में नहीं बट रहा, इसका मतलब क्या हुआ? वह क्या है? एक बीज पत्री है। कितना आ गया समझ में? तो चार आधार पर ये देखो, दो बराबर भागों में बांटो मूंगफली को, ये देखिए, ये सबसे पहले इसका कवर निकलेगा और ये दो बराबर भागों में बट गया। ठीक, तो ये क्या है? द्विबीज पत्री। तो आ गया समझ में कि नहीं आया?